हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग? और ये कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं? मैंने अमेरिका से बुलाया, लंदन से बुलाया, फोटो तो कह रहे भाई का रिश्ता हो रहा है, भाई का रिश्ता हो रहा है, चमगादड़ तेरा का बड़ा रिश्ता। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो भाई, इसको मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। भैया ये रहा पंप और मैंने आपको इससे गुब्बारा फुला के दिया था। गाइस मैंने आपसे कहा था ये शायद हवा लेता है, मतलब शायद कहा था मैंने, मतलब कंफर्म नहीं था। अभी दो होले तो आदमी को ये लगता है कि भाई एक हवा ले रहा है और एक हवा दे रहा है, इनलेट और आउटलेट। लेकिन भाई साहब जब मैंने इसका यूज किया, भाई यकीन मानिए, आपने गाइस कभी सोचा मेरे को भाई ऐसा भी हो सकता है? गाइस यकीन मानिए कि भाई मेरी समझ से पर है ये मशीन, और काफी लोगों ने भी काफी अंदाजे लगाए। मैंने कमेंट काफी पढ़ी कि सर ये आप मेडिकल लाइन का है, कोई कह रहा भैया ये वेपराइजर है, मतलब गाइस काफी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी कमेंट सेक्शन में कि सर ये ही है। लेकिन भाई अभी तक समझ में नहीं आया गाइस ये क्या चीज है। तो गाइस कोई बता सकता है कि गाइस ये क्या चीज है? और गाइस मैंने आपको अच्छे से खोल के दिखा दिया था, अब गाइस मैं आपको इसका अच्छे से फंक्शन दिखाऊंगा भाई ये क्या काम करता है। गाइस यकीन मानिए आज तक नहीं देखा उसे गाइस बिल्कुल नहीं पता कि भाई ये क्या सिस्टम है। ये देखिए ना, ये दोनों क्या करते हैं। खैर छोड़ो जो बात है, मैं गाइस आपको बिल्कुल लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊं, तो पहले खोलेंगे बाद में, क्योंकि गाइस मैंने खोलते थे पहले लिया, लेकिन भाई हमने वो अलग तरीके से खोला था। इस बार गाइस हम बिल्कुल अलग तरीके से खोलेंगे और कैसे कैसे काम करता है सब जगह इसके बारे में जानेंगे। तो ये है भैया इंग्लैंड से बुलाए हुए आदमी, ये चमगादड़ पापा के, और ये भैया मम्मी के लाल परी, काली परी लाल परी। तो अमन भाई बक्के जाओ, गुब्बारे लगाओ, तुम्हारी मर्जी गुब्बारे खेलने के जाओ, बक्के जाओ तो गाइस मैं लेकर आ रहा हूँ ये गुब्बारे बैलून, और भाई लेकर आए ये। चलो गाइस मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे काम करता है। फिलहाल तो भैया मैं इसमें लगाता हूँ, वीडियो गाइस थोड़ी फास्ट कर दूंगा क्योंकि भैया ज्यादा टाइम लग सकता है। जो गाइस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल से ही समझोगे, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। भाई सर रोकेगा, 10 रुपए वाली टेप बड़ी काम आती है सर, अच्छे तरीके है ना। अब भाई इस पे भी लगा दे एक बार, है ना, पता लगेगा ना कि इन दोनों का भाई क्या काम है। गाइस मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, ये दोनों ही आउटलेट, मतलब सिंपल सी बात है, बंदे सोचेगा भाई एक हवा लेता होगा और एक हवा देता होगा, लेकिन नहीं भाई यहाँ तो मामले अलग है। इसे मैं थोड़ा निकल लेता हूँ पहले पाइप को। चलो भाई ये हो गया भाई, ये जो ना पाइप छोटा पड़ जाएगा। लो भाई ये हो गए, तो भैया मैंने वायर लगा दी है, तो चलिए भाई मैं फटाफट से चालू करता हूँ। देखिए इसमें हवा आ रही है, ठीक है, देखिए ये फूटेगा, मतलब फुट अंदर सुधर है वो, इसमें हवा अभी नहीं आ रही, ये नहीं फूल रहा, देख लेना। तो गाइस वीडियो फास्ट कर रहा हूँ या सोच रहे तो लगे इसे फटने दे। अब गाइस इसमें आनी शुरू की, देखो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, देखिए फटा, मजा आ गया। देखा इस गुब्बारा फट गया, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं, देखी ये खाली, थोड़ा सा कर देते भैया जो इधर उधर ना भागे। अभी इसमें से हवा कंटिन्यू आ रही है, थोड़ी देर बाद गए इसमें से हवा कम होती चली जाएगी और भाई इसमें आती रहेगी, यानी कि इसमें स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अभी इसमें हवा आ चुकी, देखिए इसमें से, ओ इसमें से हवा लीक हो रही है। अरे यार ये गुब्बारा फटा हुआ, अरे है, देखो भाई ये गुब्बारा फटा हुआ है, सारा मूड खराब कर दिया यार। मैं दूसरा गुब्बारा लगाता हूँ, मतलब सारा का सारा जो प्रैक्टिकल था ना वो ऐसी की तैसी कर दिया। दोनों दोबारा लगाते हैं गाइस। चलो तो भाई इस बार मैंने फिर से गुब्बारा लगा दी है, 2 रुपए का नुकसान, चालू करता हूँ, देखते गाइस किस्मा आ रही है। देखा इस, अब इसमें आ रही है, देख लो ये छोटा है, देखिए ये बड़ा वाला पाइप है, मैंने कोई चेंज नहीं की, अब इसमें आ रही है, अभी इसमें बिल्कुल भी जान नहीं, देखिए यार बिल्कुल लुल्ल सा पड़ा है। वो घूमता है, वो एक वाल बंद कर देता है फिर दूसरा वाल चालू करता है, नहीं मेरे अंदर। तो भाई चलने देते हैं और देखते हैं कितनी देर में फूलता है। तो गाइस आपने देखा कि भाई ये मशीन कैसे काम करती है, कभी इसमें आएगा प्रेशर, इसमें बंद हो जाएगा, जब इसमें बंद हो जाएगा इसमें आएगा, जैसे बंद हो जाएगा तो भैया इसमें आएगा, यानी गाइस एक टाइम में दोनों में से एक प्रेशर आता है, दोनों में एक साथ नहीं आता। हाँ गाइस ऐसा हो सकता है, जब मोटर थोड़ा सा सीधे पाइप के तो थोड़ा थोड़ा दोनों में आ सकता है। चलो गाइस अब इसे फटाफट खोलते हैं, गाइस इसमें ऐसा क्या लग रहा है जो गाइस ये ऐसा कर रहा है। भाइयों ये खुल चुका है, इसे अब ऐसे निकालना है, जो भी कर रहा है ये कर रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं सिंक्रोनाइज मोटर हटाता हूँ, ठीक है, जो भी करता है ना, देखिए इसका आर्म, देखिए मतलब इसके आर्म गाइस इतने लो हैं भाई, इतने लो हैं भाई, इतने लो गाइस आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चलो भाई ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं, ये पिन निकालनी पड़ेगी, है ना, तभी ऊपर को आ जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगी आराम से, पिन ये निकल गई।
ये रहा, ये इसमें वाला का सिस्टम है। और इसे देखते हैं इसका क्या है सर। तो इसे पिन को मैं ऐसे लगा देता हूँ और भाई इस मोटर को चला के देखूंगा एक बार कि कितना घूम रही है, क्योंकि भाई इससे मोटर खोलने का फायदा है नहीं, बाहर से पता लग जाएगा एक बार जो इसके शाफ्ट ना ये कितना घूम रही है। भाई मुझे पता कैसे लगा, मतलब मैं इतना बड़ा गुब्बारा लेकर आया था कम से कम, जब मैंने कहा फुलाया ना तो वो थोड़ा फूला, उसके बाद मतलब हवा नहीं बंद, मैं कहा ये क्या हुआ, मैं कहा ओ माय गॉड हवा यहाँ से आ रही है। चलो भाई पहले मैं चालू करता हूँ और गाइस फिर देखते हैं फास्ट स्पीड में कि भाई कितना घूमता है। तो भैया सबसे पहले हम एक मार्ग लगा लेते हैं कि ये अभी इस कंडीशन में है, सीधी कंडीशन में, ठीक है जिधर को ये है। चालू करते हैं। तो भाई साहब आपने देखा कि ये घूम रहा है, हमने यहाँ मार्ग लगाया था पर देखिए ये कहाँ तक आ गया। इसके गाइस आई थिंक पर घंटा आरपीएम होंगे। गाइस के एक बार आरपीएम चेक कर लेते हैं कितना पर मिनट, या कितने मिनट में एक ये राउंड ले रहा है रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम। और एक बात और गाइस देखो, ये जो पाइप हम लेते हैं ठीक है, इस पाइप में गुब्बा लगा दो। तो भाई मैंने ये गुब्बा लगा लिया है, देख रहे भाई अभी किस मारी है, वैसे ऐसे देखो गुब्बारे को भी दिखाओ हमारे व्यूअर्स को, ठीक है नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है भेजता हूँ, हवा बिल्कुल बंद होगी। ओ मेरे मुंह पर आ रही है, अब दूसरे में देखो नहीं आ रही। अब देखा ये करेगा जो कमाल करेगा, ठीक है इसका कमाल है भाई सारा जितना भी है, एक तरह का इसे चेंज हो रहा है। चलो भाई इसे लगा देखते हैं आगे, इसमें देखो कहीं से घुमाऊंगा चलेगी, इसमें इधर को चलेगी, इधर को अगर मोहन देगी देखिए इसमें आनी स्टार्ट होगी। तो गाइस ये चेंज करता रहता है भैया वाल में, ये घूमता रहता है ऐसे इस तरीके से। और गाइस ये जो आप देखते हो ये वाला सेक्शन कभी इससे मिल जाता है, ये कभी इससे मिल जाता है, तो इस तरीके से हवा दोनों में चेंज होती रहती है। देखिए जब गाइस इसमें हवा आती रहती है, ठीक है एक बार मैं चेक करता हूँ, इसे काट दो, आज का सिस्टम ही खत्म कर देंगे, ये निकाल दे सिस्टम सर, ठीक है अब भाई ये डायरेक्ट करेगा बिल्कुल कमाल। देखो भाई बढ़िया भाई कहाँ भाग रहे हो। तो भाई यो मैंने आपको दिखाया अच्छे से बिल्कुल टेस्ट करके, अब जब गुब्बारे को फोड़ के देख लेते हैं, खत्म मजा नहीं हमने ज्यादा नहीं फोड़ा इसे। अभी गाइस बंद करते हैं, पहले मैं इसका प्लग निकालता हूँ। अब गाइस ये देखते हैं ये जो मोटर है, ये सिंक्रोनाइज मोटर है, ये भाई साहब कितने पर मिनट आरपीएम दे रहा है, कितने मिनट में एक राउंड ले रहा है, मतलब अंदाजे देखेंगे। ये लगा दिया मैंने भैया एक ऐसे, ठीक है मिलोंडो, और भैया आगे से घूम रहा है ना अभी, तुम्हें थोड़ा सा काट। अब देखिए ये ऐसा है, ठीक है मस्त बिल्कुल। अब भाई से मैं करता क्या हूँ कि मैं देखिए यहाँ पे ये रहा सीधा भैया, एक माह ये लगा दूंगा, ठीक है यहाँ पे गाइस बिल्कुल इसके सामने मैंने मार्क लगा दिया है। अब इसे घूमने देते ससुरे को कि कितनी देर में हो रहा है, एक स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं, पता लग जाएगा ना मैं कितने मिनट में घूम रहा है, चक्कर ले रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 10 मिनट मान के चलते हैं, थोड़ा ओपन नीचे हो जाता है, 10 मिनट में सिर्फ एक राउंड लगा है इस मोटर ने, 10 मिनट में सिर्फ एक राउंड लगाया है भाई, इतनी देर में तो गाइस में अलीगढ़ होकर आ जाता भाई साहब। तो भैया इसे खोलने जरूरत है नहीं फिलहाल गाइस, मैं ऐसा करता हूँ कि भाई इसे निकाल दूंगा और भाई साहब डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें लगा देंगे, इसमें या इसमें। तो गाइस से ये फायदा हो जाएगा कि भाई हम डायरेक्ट एक से हवा ले सकते हैं। एक बात और गाइस, जब ये इसमें लग रहा होगा ना, देखिए इस तरह से लग रहा होगा ना, तो गाइस कहीं ना कहीं हल्की फुल्की एयर लीकेज जरूर होगी, हल्की फुल्की। अब गाइस ये बहुत अच्छा काम करेगा, अभी सर डायरेक्ट हवा लेंगे ना तो गाइस डायरेक्ट बिल्कुल मस्त काम करेगा, बिल्कुल फास्ट। तो चलिए भाई इसे फिलहाल काटते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा है ना पाइप, ये भाई इसमें लगा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं क्योंकि गाइस ये पास में ही है, ये तो नहीं निकल के रबड़ के हैं। तो भाइयों भाइयों ये रहा भैया ऐसे पास में आ गया, या चलो इसे थोड़ा सा आगे वाले ले लेते हैं इस वाले में। तो ये रहा बिल्कुल मस्त फिटिंग आ रही है, बिल्कुल पास में है। और गाइस इसे हम बंद कर सकते हैं ग्लू गन से, वैसे कोई खास जरूरत है नहीं लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगाए हैं केबल टाई, छोटे तो नहीं हमारे पास इतने छोटे, लेकिन ये काम कर देनी चाहिए। गाइस ये होगा मस्त, और सिंक्रोनाइज मोटर को हम इसमें रहने दें, लेकिन हम इसके कनेक्शन हटा देंगे, ठीक है इसके हम कनेक्शन काट देंगे, यानी कि इसके हम पर काट देंगे, यहाँ से काट देंगे और इसको लगा देंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी आएगी 220 वोल्ट एसी जो कर देगी ऐसी कितने एसी। तो भाई मैं टेप तो नहीं लगाऊंगा, मैं लगा दूंगा हीट सिंक, मामला खत्म, ठीक है अब गाइस करते हैं बंद और भाई चेक भी करेंगे कि भाई ये कैसा काम कर रहा है, मतलब फास्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा पहले के मुकाबले। टन टन तो भाई इसके सारे इसको सब लग गए हैं गाइस, अब देखते हैं भाई ये कैसा काम करता है। इसमें आ रही है इस बारे में, ठीक है और भाई ये रहा हमारे पास एक बैलून, इस पर लिखते हैं गाइस कुछ गाइस मैसेज आएगा। देखो गाइस जो मरने वाला होता है ना उसके आगे रिक्वेस्ट पूरी होती है, की जाती नहीं की जाती। तो गाइस देखिए ये जो गुब्बारा है ये है बलि का बकरा, देखो ये आपसे कह रहा है कि प्लीज दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब, एस यू भी लिख देता हूँ, लैंग्वेज का मेन मुद्दा है कि वो समझ में आनी चाहिए। तो गाइस आपके समझ में आ गई, आप समझ गए। तो ये फटाफट लगाते हैं इसको भाई कंप्लीट, ठीक है और अब इसे लगाते हैं इस वाले में और गाइस देखते हैं कितना फास्ट फूलता है। तो भाई अब मैं इसे चालू करने वाला हूँ, आप खुद ही महसूस करोगे कि भाई इसकी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। अरे ये क्या हुआ,
भाई ये फूल भी नहीं रहा। अबे यार, अबे यार। लेकिन गाइस आपके समझ में आ गई, देखो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर अभी मेरा टाइम नहीं आया, मैं नहीं आने वाला कहीं भी 50-60 साल तक। देखो भाई यार बड़ी दिक्कत भाई, एकदम फटाना। देखो एकदम फूल आना गाइस, लगा 200 को पर चेंज कर। तो भाई ये है आखिरी। भाई मैं ऐसा लगा रहा था लेकिन ये तो भाई पहले फटा हुआ है। तो भाई आपके गुब्बार लेकर आ गए भाई, इतने सारे देखिए। अरे भाई आपके छेद होना चाहिए, बता रहा हूँ वरना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। मैं तो क्या खाया है, ये नीले वाश लिया हूँ। हाँ बहुत बड़ा करा, कितने रुपए खर्च कर दिए? 10 रुपए। अरे भाई इतना मोटा पैसा कहाँ से आया? भाई तुम तो खर्चीला आदमी हो। अब देखते हैं भाई कितना फर्क पड़ता है ना। हाँ देखो भाई, देखो भाई एकदम से फूला है। और भाई कोई टेंशन नहीं, आप कोई गुब्बारा फुलाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और भाई इसके बाद एक बार ये वाला गुब्बारा फुला के देखते हैं ना। देखो भाई कैमरे में नहीं आ रहा भाई, देखो यार कितना बड़ा होगा यार ये, अभी से इतना बड़ा भाई। तो चले गाइस अभी से तोड़ देते हैं। और भाई ये तो मैं गाइस फुला के दिखा दिए हैं आपको, एक बार सीधा ये वाला फुला के देखते हैं। तो भाई मैंने कैमरा बहुत दूर रख लिया है, मैं चालू करता हूँ। तो भाई गुब्बारा बहुत लंबा फूलेगा भाई, कैसे हवा इनके तरह अभी से जाग रहा है। गुब्बारा फुलाने के लिए ठीक है, अगर छोटा गुब्बारा उसे बहुत जल्दी फुला देती है, बड़े गुब्बारा बहुत ज्यादा वक्त ले जाती है। गाइस फटने वाला है, देखो ये भाई बढ़ता जा रहा है और भाई इसका बन गया लोकी। हाँ भाई क्या बोलते पब्लिक, फटने वाला? बिल्कुल लिख दो भाई जल्दी, फटाफट लाइक लिखो इस पे। लेट हो गए गाइस, ज्यादा फटने मजे नहीं है इसके। तो गाइस आपने देखा किस तरह से गाइस हमने इसका सिस्टम निकाल दिया, इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। तो गाइस पहले से ये तेज हो गया है ना गाइस, थोड़ी बहुत लीकेज होगी ना वो सब चली गई है। तो गाइस बिल्कुल मस्त और फास्ट काम कर रहा है। तो गाइस आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएं ये व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।